अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि मावरा और उर्वा दोनों ने जो है वो 7 साल के बाद अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो ईद सेलिब्रेट की है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उर्वा मावरा जो है वो अलग अलग जगहों पर रहती हैं। उर्वा हुसैन की जब डिवोर्स हो गई तो उन्होंने अपना घर जो है वो कराची में ले लिया और मावरा इस्लामाबाद में रहती हैं, इनके पेरेंट्स भी इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन मावरा भी अक्सर शूट की वजह से कभी लाहौर कभी कराची इस तरह से वो होती हैं। तो इनके पेरेंट्स कभी जो है वो इस्लामाबाद में ही होते हैं लेकिन अक्सर उर्वा के घर कराची आया करते हैं तो इनकी मुलाकात हो जाती है। तो इस तरीके से इस ईद पे जो है वो इनके पेरेंट्स आए कराची उर्वा के घर और मावरा भी आई, तो इन्होंने 7 साल बाद अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो ईद सेलिब्रेट की है। वैसे तो एक साथ जाते थे जब भी इन दोनों को वीकेंड पे जब ऑफ मिलती थी तो जाते थे अपने पेरेंट्स के पास टाइम स्पेंड करने, लेकिन ईद पे जो है वो इनके पास टाइम ही नहीं होता था। लेकिन अब जो है इन्होंने 7 साल बाद अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो ईद सेलिब्रेट की है और उर्वा और मावरा को आप लोग देख सकते हैं कि दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत प्यारी भी लग रही हैं। तो उर्वा हुसैन का जो घर है वो कराची में है और वहीं पे इन्होंने जो है वो ईद सेलिब्रेट की, जिसमें उर्वा और मावरा दोनों ने खाने बनाया अपने पेरेंट्स के लिए और बहुत अच्छे से जो है वो घर पर ही ईद को सेलिब्रेट किया और इस त्यौहार को इंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ। तो ये थी वीडियो, सब्सक्राइब करें, बाकी की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।